न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सर हमारे स्कूल को भी अच्छा बनवा दो और हमें भी रेगुलर टीचर दे दो, यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह कहना है उन नौनिहालों का जो जर्जर हाल बिल्डिंग में भारी ठंड के बीच चाटपट्टी पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं और अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्थायी टीचर के बिना आखिर बच्चे पढ़ाई करें तो कैसे करें। वही सरकार है कि उच्च शिक्षा के दावे करते नहीं थक रही। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी जिला के गाँव रसगंज स्थित राजकीय प्राइमरी स्कूल की, जहाँ जर्जर हाल इस बिल्डिंग के खिड़की दरवाजे तक नहीं है। कमरों में रखे डेस्क शोपीस बने हैं तो बच्चे भारी ठंड के बीच टाटपट्टी पर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। इस स्कूल में कुल 33 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। सरकार की ओर से यहां 2 स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश किए हुए हैं, लेकिन स्थायी शिक्षक न होने के कारण पड़ोसी गाँव में स्थित स्कूल से हर रोज यहाँ एक टीचर बदलकर भेजा जाता है। हालांकि पहले यहाँ डेपुटेशन पर 2 शिक्षक लगाए गए थे, लेकिन अब पिछले 4 माह से हाल बेहाल है। ग्रामीणों और अभिभावकों की माने तो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस बिल्डिंग को कंडम घोषित किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ना तो आज तक इसकी मरम्मत कराई गई है और ना ही इसे तोड़कर बनाया ही जा रहा है। खेल का मैदान गंदा है तो मैदान में पार्क और झूले जैसी कोई सुविधा तक नहीं है। अभिभावकों को यह खतरा सता रहा है कि जर्जर हाल इस बिल्डिंग में कोई बच्चा हादसे का शिकार ना हो जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो मजबूरन उन्हें अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पड़ेगा, लेकिन यहां वो अभिभावक ज्यादा चिंतित हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा नहीं दिला सकते। कुल मिलाकर अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के नाम पर यहां कुछ नहीं है। हालांकि टीचर भी मानते हैं कि स्थायी शिक्षकों के अभाव में बच्चों को परेशानी जरूर हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन को अनेक बार अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन यहां शायद उनके सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि साल 2013 से 18 तक बच्चों की घटती संख्या के चलते इस स्कूल को बंद कर दिया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रयासों के बाद पिछले साल स्कूल को फिर से खोल दिया गया। हालांकि इस बड़ी समस्या को लेकर ग्राम पंचायत शिक्षा अधिकारियों से उपायुक्त तक और सरकार तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन आज तक ना तो स्कूल की मरम्मत कराई गई और ना ही यहाँ स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकी है। अब जरा दफ्तर में बैठे साहब को सुनिए, उनका कहना है कि बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है, वैसे यह काम जई साहब देखते हैं, फिर भी वे स्टेटस मालूम करके ही इस बारे में कुछ बता सकते हैं। जहां तक स्थायी शिक्षकों का सवाल है तो पिछले दिनों काफी प्रमोशन होने के कारण स्कूल में टीचर्स की समस्या जरूर बनी हुई है, और रही टाटपट्टी की बात तो अगर स्कूल में बेंच है तो उन्हें यूज में लिया जाएगा और किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मगर कुछ भी हो, इस स्कूल में आकर सरकार के तमाम दावे हवा हवाई होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा क्या विभाग इस शिक्षा के मंदिर की समस्याओं को दूर कर नौनिहालों का भविष्य सवार पाता है, या फिर बच्चों और अभिभावकों को यूं ही इन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए अजय सागर अत्री के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट। ना तो कोई सुविधा है, ना टीचर आई हुई अभी परमानेंट, मतलब हमें टीचर भी परमानेंट चाहिए और हमें एक डिजिटल स्कूल चाहिए जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ सके और अपनी राष्ट्रीय उन्नति कर सके। अगर शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से बढ़ेंगे। समस्या तो अब एक साल से तो ही रही है, एक साल से स्कूल खुला है हमारा, जब से मतलब कोई परमानेंट टीचर यहाँ पे आए नहीं है, बस ये 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए ऐसे आते हैं, वो परमानेंट नहीं है। हमें परमानेंट टीचर चाहिए और एक सफाई वाला, जो भी मतलब हमें अपनी सुविधा है, हमें पूरे स्कूल में सुविधा चाहिए। अगर उसमें मतलब किसी बच्चे की हानि हो जाती है तो उसका कौन भुगतान करेगा बताओ। 5th क्लास में हमें हर रोज अच्छे वो हमें रेगुलर टीचर दे कि हमें हमारे स्कूल को अच्छा बनवाए और हमें टीचर दे। न तो बच्चों की कोई सुविधा है पढ़ाने वाले, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो लगातार हमने टीचर चाहिए पक्का, यहाँ ही रहे, ठीक है ना। बहुत परेशानी है, बहुत परेशान से बच्चा, कोई पढ़ाई नहीं होती, ऐसे पढ़ाई नहीं होती, कभी कोई टीचर आती है कभी कोई टीचर आती है। टीचर के लिए तो यहाँ साफ सफाई वाले भी नहीं है, और ये जो बिल्डिंग से ये भी सारी खराब हो रही है, ये भी होनी चाहिए, तो इतनी मरम्मत हो चाहिए, वैसे दोबारा बनाओ कैसे भी करो। हमें ये है कि यहाँ पर जरूर से जरूर परमानेंट टीचर जरूर चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कोई भी बच्चा मतलब व्यवस्थित ना तो पढ़ाई की जा सकती ना कुछ। और दूसरे जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है,
अगर हमारे बच्चे का क्या करे, किधर से बच्चे निकाले, प्राइवेट स्कूल में डाले, नहीं तो हमारे बच्चे का भविष्य पर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये हमारे ऊपर अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए। या परमानेंट टीचर होना चाहिए, साफ सफाई का इंतजाम होना चाहिए इधर, और बच्चों को बैठने उठने का भी। और यहाँ पर बिल्डिंग पूरी गिरने की कगार पर है, उस पर कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसको जल्दी तोड़वा के नया कुछ किया जाए। जी क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक, क्या कार्रवाई हुई है उस पर? अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं, यहाँ पे नहीं है सर। तो हम एक एक दिन के लिए जैसे डेपुटेशन पे आ रहे हैं, जैसे हमारे डीडीओ आदेश देते हैं भाई आज उस मैडम के बारे, तो हम यहाँ आ जाते हैं, स्कूल संभाल रहे हैं। एक महीने से तो समस्या ही है, जो डेपुटेशन पे यहाँ टीचर आया हुआ था उनकी कैंसिल हो गई, तो हम पड़ोस के स्कूल से हम स्कूल संभाल रहे हैं। सबके पास बात है, लेकिन अधिकारी लोग अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो भी मजबूर है। मान लो अभी पॉलिसियां ऐसी बनी हुई है, डेपुटेशन कैंसिल हो गई तो ये दिक्कत आई है। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है शायद डेप्टेशन करना, इसलिए ये समस्या। एक खास बात है सर, फिर वहाँ पे थोड़ी बोर्ड की समस्या थी, इसलिए वो बाहर बैठा लिए टाट पट्टी पर। ठंड का मौसम है, इस बात को ध्यान देना। मुन्ने हाँ सर, वो तो है, टाट पट्टी है, तो वहाँ पे बोर्ड नहीं है, इसलिए हमने बाहर बैठा लिए। ऐसी कोई ऐसा जी, ये स्कूल जो है 2013 से 2018 तक बंद हो गया था पहले, कम बच्चों की संख्या की वजह से। अब इसको दोबारा खोला गया है, और अब दोबारा खुले हुए भी इसको जुलाई 2018 में खुल गया था। 33 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, और यहाँ पर कोई स्थायी अध्यापक नहीं है, जबकि 2 सैंक्शन पोस्ट है यहाँ, हमने रिकॉर्ड देखा है, वो हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। और स्थायी अध्यापक आज तक यहाँ पर नहीं आया, हमने बार बार उपायुक्त महोदय को भी लिखा है, माननीय राव इंद्रजीत सिंह को भी हमने सिफारिश करने के लिए कहा था, उनको भी हम लिखित में देख के आए हैं, लेकिन स्थायी अध्यापक नहीं है। सभी गाँववासी जितने भी अभिभावक हैं वो सब चिंतित हैं कि भाई जब अध्यापक नहीं है तो ये शायद ये स्कूल अभी खुला ही नहीं है, हम अपने बच्चों को निकालेंगे। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें एक और है कि ये जो 4 कमरे बरामदे हैं, ये डिसमेंटल होने चाहिए थे, कंडम है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने इनको नकारा घोषित कर दिया है करीब 1.5 साल पहले। और यहाँ की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को भेज रखा है, मैंने स्वयं भी प्रस्ताव करके अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय दोनों को दे रखा है, लेकिन ना तो ये डिसमेंटल बिल्डिंग हुई है, यहाँ बिल्डिंग का गिरने का खतरा रहता है, और ना ही यहाँ पर परमानेंट अध्यापक है। ये दोनों तकरीबन 4 महीने से अब यहाँ, पहले यहाँ डेपुटेशन पे अध्यापक थे 2, एक हमारे गांव से ही थी, एक बाहर से आता था, तो वो स्थायी काम चल रहा था। अब पिछले 4 महीने से 3 महीने से यहाँ अध्यापक नहीं है। सर जी ये डेस्क यहाँ कुछ हैं, एक प्राइवेट कंपनी है हमारे यहाँ GKN, तो उन्होंने डेस्क यहाँ मुहैया करा रखे हैं, लेकिन जो ये अध्यापक लगा रखी है, आज मैंने इनसे पर्सनली पूछा था, तो वो बोले मुझे तो एक रजिस्टर दे रखा है बस, सिर्फ अगर मैं इनकी हाजिरी लगाऊँ, इनको टाट पर बैठाऊँ, मेरे पास ना किसी सरकारी अलमारी की चाबी है स्कूल की, ना किसी कमरे की चाबी है, तो मैं कहाँ से बैठाऊँ। बाकी डेस्क यहाँ पर हैं, और एक GKN कंपनी वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, और सुविधाएं भी कराने के लिए कि वो तैयार है। अब क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है स्थायी अध्यापक की जितनी जल्दी हो सके वो नियुक्ति की जाए। और पहले हम बिल्डिंग पे आते हैं, तो बिल्डिंग के बारे में क्या है कि इस सारे मामले को जेई साहब देखते हैं, और उनका जो है सोमवार और मंगलवार को ड्यूटी बावल ब्लॉक में होती है, तो जैसे वो आते हैं मैं उनसे बिल्डिंग का स्टेटस मालूम करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरा सर टीचर्स की बात कर, दूसरी बात ये भी है, मैंने हेड सर जो है वहाँ पे काशीराम जी उनसे बात की, तो वो बिल्डिंग के बारे में उन्होंने यही बताया कि 1-2 कमरे में प्रॉब्लम है, बाकी बिल्डिंग ठीक है, वैसे पुरानी है। तो ये उनकी तरफ से मेरे पास रिपोर्टिंग आई है, बाकी मैं कल जाकर के उसको पर्सनली देखूंगा। टीचर्स की बात करें सर, 2 टीचर्स वैकेंट वहां बताए गए हैं, जबकि दूसरे स्कूलों से जो बता रहे हैं कि बदल बदल कर टीचर आता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। टीचर्स के रिगार्डिंग बात यह कि क्योंकि पिछले समय में काफी प्रमोशंस हुए हैं JBT के ऊपर, तो इस वजह से टीचर्स की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हमने जो है क्लस्टर हेड को बोला हुआ है कि वो अपने लेवल पे टीचर्स का अरेंजमेंट करेंगे, तो वहां पे पढ़ाई हो रही है, मैंने स्टेटस मालूम किया है, वहां पे 2 टीचर्स लगाए हुए हैं उन्होंने। सर आपकी इस बात का भी बात यह कि अगर वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है, अगर डेस्क बेंचेस हैं तो उनको यूज किया जाएगा। और दूसरी बात है आपका मिड डे मील के बारे में, तो मिड डे मील के बारे में मैंने जब से चार्ज लिया है तो हमने 16 आदमियों की कमेटी बनाई है, जिसमें SDM साहब उसके चीफ हैं और मैं उसका नोडल ऑफिसर हूँ,
बाकी पार्षद है, कम्युनिटी के बंदे हैं उसमें, और हमारी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। और जैसा आपने अभी संज्ञान में हमारे लाए तो हम कल जाकर के उसको मिड डे बिल को भी चेक करेंगे, और जो भी अगर कोताही बरती गई तो उसके सख्त कार्रवाई करेंगे।